सरकार प्रत्येक व्यक्ति को आवाज दिलाने के भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गरुड़ विकास खंड के ग्राम उड़खोली निवासी ग्रामीण धर्मराम बीते कई सालों से एक अदद मकान की आस में सरकारी महकमों के चक्कर काट रहे हैं। उड़खोली निवासी ग्रामीण धर्मराम बताते हैं कि इंदिरा आवास सहित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई बार आवेदन करने के बाद भी उन्हें आवास नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण के पास आवास के साथ साथ शौचालय भी नहीं है तथा उनका परिवार खुले में शौच करने को मजबूर है। मकान की मांग कर रहे ग्रामीण से बातचीत की हमारे गरुड़ संवाददाता अखिल जोशी ने। पेश है एक रिपोर्ट। हमारे साथ उड़खोली निवासी धर्मराम हमारे साथ हैं। जानते हैं कि वो जो इस मकान में रहते हैं क्या क्या उनको समस्याएं आती हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, जंगली जानवरों का भी आतंक इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से रहा है। जानते हैं क्या कुछ धर्मराम का कहना है। जी सर, क्या कहेंगे बताएंगे आप कि आपके पास आवाज जो है क्या क्या समस्याएं आपको आती हैं। मेरे को यहाँ बारिश में जब मकान के तो आशा तो पहले है मेरे को, और इसमें लकड़ी का मकान है मेरे पास 4-5 सालों से, और कितनी बार मैंने वहाँ कहा, ब्लॉक में भी कहा और प्रधानों को भी कहा, किसी ने दिया नहीं। अभी भी मकान आए हैं, अभी भी मुझे कहा, फिर भी कहा मैंने, फिर भी अभी भी मकान नहीं दिया। पहले तो मेरे लकड़ी का पहले व्यवस्था मेरी होनी थी, न मेरे पास शौचालय है और न बच्चों के लिए कभी रात में पानी आता अंदर को। एक दो तीन बार ये छत उड़ भी गया, मैंने पत्थरों से ढक रखा है ये, और उसके बावजूद भी मेरे को मकान मिला नहीं है। जी आपने बताया मकान नहीं मिला, जो तो आपने मकान बनाया खुद ही आपने बनाया है, कोई सरकारी मदद आपको नहीं मिली नहीं, है इसमें? नहीं मिला। और क्षेत्र में जैसे कि बता रहे हैं आप, जंगली जानवरों का आतंक भी रहता है, तो क्या आपका कहना है? जंगली जानवरों का आतंक भी रहता है, रात को आते हैं यहाँ पर, ये बड़े बड़े दरवाजों पर भी आ जाते हैं, रात को डर भी लगती है फिर, और उसके बावजूद आप पानी आने अंदर ही तक घुसता है हमारा। आपने सुना धर्मराम का कहना है कि जंगली जानवर उनके दरवाजे तक आते हैं। दरवाजे की स्थिति में आप अपने सहयोगी से कहना चाहता हूँ कि एक बार दरवाजे की स्थिति में दिखाऊं कि कोई मजबूत दरवाज़ा नहीं है, अगर चाहे, अगर जंगली जानवर चाहे, कोई भारी भरकम जानवर चाहे तो आसानी से इसे तोड़ सकता है और कोई बड़ी हानि कर सकता है। सरकार को तुरंत ऐसे लोग को चिन्हित कर आवास व शौचालय की व्यवस्था करनी जरूरी है। सरकारों ने देखना चाहिए कि आर्थिक ऐसी सर्वे होनी चाहिए जिसके तहत जो है इन गरीब लोगों को, जिनके पास वास्तव में मकान नहीं है, शौचालय नहीं है, ऐसे निचले तबके को पहले मिलना चाहिए, फिर जाके अन्य लोगों को मकान दिया जाए जिनके पास कच्चे मकान है, जैसे लकड़ी का मकान है धर्मराम जी का, तो तूफान में उड़ सकता है, कई बार बता रहे थे कि उड़ भी गया। जंगली जानवरों का यहाँ खतरा है, तो जंगली जानवर भी इसको फाड़ के, जैसे सूअर है, जंगली सूअर इसको फाड़ के अंदर जा सकता है, और सांपों का भी डर रहता है, बरसात में जो है अक्सर सांप घूमते हैं, और यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, लकड़ी के अंदर जाके सांप रह सकता है, तो ऐसे लोगों को पहले चिन्हित करना चाहिए, ऐसे लोगों को पहले मकान। 70 वर्षों बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया है। ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। विकासखंड गरुड़ के उखली गाँव में भी हम हैं, जहाँ पर धर्मराम पिछले कई वर्षों से एक आवास के लिए विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। पूर्व की सरकार में इंदिरा आवास योजना संचालित हुई थी और वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, लेकिन इन दोनों योजनाओं के संचालित होने के बावजूद भी धर्मराम को एक आवास नहीं मिल पाया है। हैरत की बात है कि हमारा जिला स्वच्छता में, हमारे जिले को पुरस्कार भी मिल चुका है, लेकिन धर्मराम के पास एक शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। सरकार द्वारा जो शौचालय दिया गया था, मिलना था, वो शौचालय भी धर्मराम को नहीं मिल पाया है। इससे अंदाज़ा लगाना बिल्कुल आसान है कि जो कागजी आंकड़े हैं उन्हीं की खानापूर्ति में शासन प्रशासन लगा हुआ है, जमीनी हकीकत उन आंकड़ों से कोसों दूर है। यदि उन आंकड़ों की अगर बात करें तो हमारा जिला शौचालय, हमारे जिले के हर प्रत्येक नागरिक के पास शौचालय है, लेकिन उड़खोली गाँव में हम आए हैं, कई परिवार मुझे ऐसे मिले हैं जिनके पास आज भी शौचालय नहीं है और वो खुले में शौच कर रहे हैं।